दो गुटों में सरेआम फायरिंग की घटना से लोगों में सनसनी फैल गई। सोमवार को कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत शहर के प्रमुख इलाके मोहद्दीपुर में दो गुटों के बीच सरेआम हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर आपस में भिड़े थे। जिस लड़के को गोली लगी है उसका नाम जितेंद्र यादव और पिता का नाम श्याम नारायण यादव बताया जा रहा है। वो शहर के भगत चौराहा क्षेत्र का रहने वाला है। डॉक्टरों के मुताबिक उसे दो गोलियां लगी हैं, एक पेट में दूसरी हाथ में लगी है। आपको बता दें कि सोमवार की दोपहर दो गुटों के बीच बवाल सिंगड़िया से शुरू हुआ, वहां भी दोनों गुटों के बीच गोली चलने की बात सामने आई। पहले उनके बीच जमकर मारपीट भी हुई। सिंगड़िया में मारपीट के बाद दोनों गुट मोहद्दीपुर में आमने सामने आए। इस दौरान गोली मारने से पहले दोनों पक्ष में सड़क पर मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष सड़क पर खुलेआम मारपीट कर रहे हैं। उनके बीच वहां सरेआम फायरिंग शुरू हो गई। मोहद्दीपुर में भी गोलियां चलने के बाद जितेंद्र यादव घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक बाइक बरामद की है। यह बाइक कुशीनगर में तैनात एक दरोगा के नाम से आरटीओ में पंजीकृत बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 6 राउंड गोलियां चली। इस दौरान जितेंद्र यादव नाम का एक लड़का गोली लगने से घायल हो गया। उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी के बाद एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम और सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने घटना स्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया। इस संबंध में एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि घायल युवक ने दो नामजद आरोपियों के बारे में बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी सिटी की अगुवाई में टीम लगाई गई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए डॉक्टर आर के सिंह और एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, निकाल दो।
35 साल का लड़का आया था, इसके बाएं कोहनी में गोली लगी थी और पेट में जो है गोली छूते हुए निकल गई है। आगे प्राइमरी मैनेजमेंट हम लोग कर दिया है, उसके बाद मेडिकल का रिफर कर दिया। स्थिति क्या है? स्थिति तो फिलहाल अभी तो ठीक थी, वाइटल स्टेबल थे, बाकी आगे और जांच में पता चलेगा कि और क्या इंजरी हुई है एब्डोमिनल में। ये कैंट थाना अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी क्षेत्र अंतर्गत ये घटना हुई है गोली चलने की। उसमें एक व्यक्ति जितेंद्र को गोली लगी, उसको बीआरडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जिसका इलाज चल रहा है। मौके से एक गिरी हुई पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद और पीड़ित से पूछताछ करने के बाद ये पता लगा है कि जितेंद्र और इसके साथ ही एक और साथी स्कूटी से जा रहे थे। इसको कुछ लोगों ने गोली मारी है, उन्होंने दो लोगों का नाम लिया है जिन्होंने गोली मारी है। उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। पुलिस टीम तीन चार जगह पर दबिश दे रही है और दो टीमें गठित की गई है। जो व्यक्ति का नाम लिया है जिसने गोली मारी है, उसके पकड़ने के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम लगी है और घायल का इलाज कराया जा रहा है। FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।